सभी को उम्मीद है बढ़िया भाई जा रहा हो मस्त रहो मौज काटो खूब पैसे कमाओ। केवल भाई कैसे देखिए हमारी नॉलेज प्रेडिक्शन 11 और ट्विस्ट। और हाँ भाई एक बात बता दूं, जो भी भाई और जो भी यूजर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई देखो साइड स्क्रीन पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिख रहा हो। क्यों दिख रहा है भाई? ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखो लाइनअप आने के बाद मेरी फाइनल टीम, मेरा जो भी होता है मेरा लॉस, मेरा जो भी होता प्रॉफिट, मतलब ऑल लिस्टेड है, आपको सारा चीज टेलीग्राम ऐप पे देखने को मिलेगा। तो भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जुड़ सके तो भाई जुड़ जाओ, जुड़ नहीं सकते भाई हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो तो भाई बन जाओ, आलस ना करना और पैसे कमाते रहना लाइफ टाइम तक। और हाँ भाई एक बात बता दूं, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जब तक इंडियन फैंटेसी जिंदा है तुम्हारे लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो भाई मैं बोलूंगा जरूर से इंपॉर्टेंट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ज्ञान की चीजें मिलती रहेंगी और हमारी इस चैनल पे आपको डेली परमानेंट वीडियो मिलेंगी, मतलब सिखाने का काम आपको डेली होगा, हार जीत अपने जगह। ठीक, आइए भाई ज्ञान की बात करते हैं। भाई इधर देखो फोर्थ T20 वर्ल्ड कप मैच, भाई फोर्थ T20 वर्ल्ड कप, भाई धीरे धीरे वर्ल्ड कप भी चालू हो गया। ठीक है, तो भाई आलस ना करना पैसे कमाना। और भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई आप हमारी वीडियो भाई कितनी भाई 4 से 5 मिनट हमारी ये वीडियो देखो और 4-5 मिनट वीडियो देख के आप पैसे कमा के जा सकते हो भाई, देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इधर देखो भाई टीम किसके किसके बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। भाई देखो साउथ अफ्रीका वीएस श्रीलंका, भाई ये फोर्थ T20 वर्ल्ड कप मैच किसके किसके बीच में खेला जा रहा है, साउथ अफ्रीका वीएस श्रीलंका के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। तो भाई देखो आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या ज्ञान दूंगा जिसके कारण आप पैसे कमाओगे। तो भाई देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर के मैं आपको बता दूं, भाई देखो प्लेइंग 11 टीम न्यूज बताऊंगा, भाई इन दोनों टीमों के बीच में प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या रहने वाले, इन दोनों टीमों के बीच में हम आपको ज्ञान देंगे और भाई प्लेयर के बारे में आपको की स्टाइल बता दूंगा। ठीक है, अब इधर देखो भाई पिच रिपोर्ट, भाई इन दोनों टीमों के बीच में पिच रिपोर्ट बता दूंगा, भाई मतलब इन दोनों के पिच रिपोर्ट तो बता दूंगा तो भाई आपका पता चल जाएगा, आपका 75% का काम इसी तरह हो जाएगा अगर आप जान जाओगे पिच रिपोर्ट। भाई देखो अगर आप जान जाओगे पिच रिपोर्ट इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई इस पिच पर बल्लेबाज को मतलब मिल रहा है गेंदबाज को, अगर ये आप जानोगे तो एक अच्छी टीम क्रिएट करोगे जो कि आपको विनिंग करने ऐसी कुछ अमाउंट अर्न करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब इधर देखिए भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड, भाई देखो अब देखो भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड बता दूंगा पता चल जाएगा आपको इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल मैच कितने खेले गए, कौन कितनी बार मैच को जीता है, कौन कितनी बार मैच को हारा हो, तो भाई इसे एकदम आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई कौन सी टीम मजबूत और कौन सी टीम कमजोर है। ठीक है, अब इधर देखिए भाई प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई देखो मैं इस वीडियो में आपको कुछ मदद करूंगा, हेल्प कर दूंगा भाई, मैं आपको बता दूंगा प्लेयर प्रेडिक्शन कि भाई अब किस प्लेयर के ऊपर भाई 25 रन क्या कर सकते हो, यस करोगे, और किस प्लेयर के ऊपर आप 25 रन क्या करोगे, नॉट करोगे, हाँ और ना में आंसर देके आप पैसे कमा सकते हो केवल हमारी वीडियो की मदद से। तो भाई कमाइए और मौज काटिए। ठीक, अभी इधर देखो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में आपको ऐसे 4-5 ड्रम प्लेयर बताने हैं जो कि आपके लिए क्या रहने वाले, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले। अब मैं उन्हीं 4-5 में से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, तो वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको वो 5 प्लेयर के ड्रम कार्ड बता दूंगा। ठीक है, अभी इधर देखो भाई टॉस प्रेडिक्शन, भाई देखो इस वीडियो में आपको बताऊंगा हु विल विन द टॉस, मतलब इन दोनों साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में आज का भाई आज का टॉस कौन वान करने वाला है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे भाई, पूरा एकदम खुलेआम बता दूंगा कि आज का टॉस कौन जीतने वाला। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले बिना टाइम बकवास, बिना टाइम एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए सीधा बात कर लेते किसके बारे में, साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में किसके बारे में। भाई इधर देखो साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में, साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो कि भाई आज के मैच में साउथ अफ्रीका की प्रॉपर प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने वाली है आज के मैच में। ठीक, अभी इधर देखो भाई रिजा हैटिक, क्विंटन डिकॉक, केडन मार्कर, डेविड मिले, हैंडी क्लासन, तेजे विशु, मार्को जैनसन, एंड्रिस नोकिया, केशव महाराजा, गालिस कोटिन, किशोर अबाडा, भाई ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, भाई ये हमने आपको बता दिया साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बता दिया। अब भाई चलो जान लो किसके बारे में, भाई प्लेयर के की स्टैट के बारे में, भाई मतलब मैं प्लेयर के बारे में आपको नॉलेज दे दे रहा हूँ कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा है इसके बारे में जान लो, और भाई जिस प्लेयर के बारे में बताऊंगा भाई ये जब भी क्रिकेट इंडिया में रहेगा भाई आपको ये ज्ञान काम आने वाला, भाई प्लेयर के बारे में बताऊंगा ध्यान से सुन लेना इंपॉर्टेंट। ठीक, अभी देखो मैं रिजा हैनरिक, भाई देखो रिजा हैनरिक बोलूंगा ताबड़तोड़ बैट्समैन, भाई कॉन्स्टेंसी बोलूंगा इसकी कॉन्स्टेंसी एक मेंटेन रखता है, मतलब अगर ये बंदा आपको एक मैच में रन बनाता वो दिखेगा तो भाई मतलब 1, 2, 3, 4 मतलब ऐसे लगातार मैच में बंदा रन बनाते जाएगा, लेकिन अगर ये बंदा फ्लॉप जाएगा तो भाई आपको हर मैच में एक बंदा फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा, लेकिन भाई पिछले मैच में भाई बंदे ने क्या जबरदस्त पारी खेली थी, भाई 77 रन की पारी बंदे ने खेली थी, कैमियो पारी खेली थी, वो भी कब खेली थी भाई मैं बोलूंगा ये बंदा सेकंड इनिंग में, मतलब ये बंदा सेकंड इनिंग में ज्यादातर बड़ा स्कोर करता है, मतलब फर्स्ट इनिंग में आप उम्मीद करना, लेकिन भाई जब ये हैंडी क्लास है सॉरी भाई रिजा हैंडी में बोलूंगा अगर ये सेकंड इनिंग बैटिंग करता तो भाई आप उम्मीद करना कि भाई ये बड़ा स्कोर करता है, मतलब आप इसकी पूरी हिस्ट्री पूरी जियोग्राफी अगर निकालते हो तो भाई इससे आपको ये पता चलेगा भाई जो रिजा हैंडी से मतलब
सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय कुछ बड़ा स्कोर करता है और भाई फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय क्या करता है, थोड़ा तेज तरार पारी खेलने के चक्कर में अपनी विकेट देता है, लेकिन भाई जब ये रेजा हैंडी सेकेंड इनिंग बैटिंग करता है तो थोड़ा रुक के थोड़ा संभल कर थोड़ा टाइम लेके खेलता है, जिसके कारण ये क्या करता है बड़ा स्कोर करता है। तो भाई देखिएगा इंपॉर्टेंट, अगर आज के मैच में बोलूंगा अगर ये रेजा हैंडी सेकेंड इनिंग बैटिंग करते तो ठीक है, नहीं तो भाई आप अपने अपने टीम से सीधा इनको क्या करोगे ड्रॉप मार सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक प्लेयर के बारे में दिया। अभी तक देखो भाई क्विंटन डिकॉक, भाई देखो क्विंटन डिकॉक मैं बोलूंगा 2024 आपने भाई देखा होगा T20 IPL का मैच, बंदे का जो भी ये सीजन रहा है पूरा फ्लॉप कर रहा है, लेकिन भाई ये बंदा मैं बोलूंगा बड़े मैच का प्लेयर है, जब भी बड़े मैच होते तब भी बंदा आपको स्कोर करेगा, भले से 25 30 35 40 रन स्कोर करे लेकिन आपके बंदा स्कोर करके देगा जरूर। क्विंटन डिकॉक तो भाई बड़े मैच का प्लेयर है और भाई बड़े मैच में बहुत ताबड़तोड़ खेलता है, लेकिन भाई अगर बोलूं देखो भाई ये क्विंटन डिकॉक अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है तो भाई देखो मैं तो बोलूंगा इसको भाई मैं पावर प्ले में बैटिंग करना बहुत ही मतलब इमेजिंग बैटिंग करता है, मतलब भाई आपको हर बॉल पे चौके छक्का ये मारता दिखेगा, लेकिन भाई ये ऐसा बैट्समैन है भाई आपको सिंगल भी लेता है वो दिखेगा, चौके भी मारेगा छक्के भी मारेगा, लेकिन भाई अगर ये सेकेंड इनिंग बैटिंग करता है तो थोड़ा क्या करता है संभल कर खेलता है मतलब ऐसा थोड़ा रुक कर खेलता है, ऐसा होता ना भाई जो प्लेयर उसकी जैसी कॉन्स्टेंसी वो चौके छक्के मारता है तो वो बंदे के ऊपर ऐसा सूट होता है, ये बंदे क्या करता है कैमियो पारी खेलता है। कैमियो पारी का मीनिंग ये हुआ कि भाई ये देखो हाई ये बंदा ऐसा 15-20 बॉल पे हर मैच में बंदा 65-70 रन की पारी खेलना चाहता है और ये बंदा करता भी, तो बोलूंगा बड़े मैच का प्लेयर है तो इंपॉर्टेंट, अगर ये बोलूंगा अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई सेफ ऑप्शन है, और भाई मैं बोलूंगा अगर ये 10 से 5 बॉल भाई क्विंटन डिकॉक आज के मैच में 10 से 5 भाई 5 बॉल खेल गया तो भाई समझ लेना आज के मैच में ये 100 भी सेंचुरी भी मार के जाने वाला क्विंटन डिकॉक आज के मैच में भाई सेंचुरी भी मार के जा सकता है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई ये थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि भाई देखो ये हर बॉल पे हर ओवर में बड़ा स्कोर करने जाएंगे, अगर मान लो कोई बंदा करता है स्कोर भाई मान लो तेज तरार पारी खेलने गया तो भाई एक आध बार हो जाता है, लेकिन भाई अगर आप बार बार बड़े रन स्कोर करने जाओगे हर बॉल पे हिटिंग करके मारेंगे तो भाई इनके जो होते आउट होने की संभावना ज्यादा है, तो भाई मैं तो बोलूंगा आप इनको अपने टीम में ले लेना, लेकिन भाई कैप्टन वाइस कैप्टन एकदम बिल्कुल ना कैप्टन तो वाइस कैप्टन एकदम बिल्कुल ना चॉइस कहना, ठीक है ये रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन टीम में आप रख सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते समय सेफ ऑप्शन भी है। ठीक है, अभी तक देखो भाई एडन मार्करम, भाई एडन मार्करम भी ताबड़तोड़ भाई आप जानते हो बहुत लोग भाई लोग जानते हो कि भाई एडन मार्करम क्या ऑलराउंडर है, भाई देखो ऑलराउंडर है ठीक है, लेकिन भाई कौन सी बॉलिंग डालता है भाई स्पिन आर्थो स्पिन बॉलिंग डालता है जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए थोड़ा दिक्कत पैदा करती है, और भाई मैं बोलूंगा देखो एडन मार्करम थोड़ा संभल कर खेलता है रुक कर खेलता है, और भाई ये बंदा क्या जल्दीबाजी वाला बैट्समैन है, मतलब आपको ये स्टार्टिंग से ही धीरे खेलता हुआ दिखेगा और लास्ट में अगर जरूरत है चौके छक्की मारने की नहीं तो भाई आराम से ही खेल के आपको रन बनाएगा, तो बोलूंगा ये सिर्फ सेफ पिक रहने वाले। ठीक, अभी इधर देखो लो डेविड मिलर, भाई डेविड मिलर में बोलूंगा जबरदस्त ताबड़तोड़ खतरनाक प्लेयर है, लेकिन भाई कब खतरनाक प्लेयर जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते भाई डेविड मिलर अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते तो कुछ अलग करते, कुछ अलग करने का मतलब ये कि भाई कैमियो पारी खेलते, कैमियो पारी का मीनिंग ये होता है मेरे भाई देखो 15-20 बॉल में बंदा 65-70 रन की पारी खेल के जाता है, इसी को बोलते हैं कैमियो पारी। ठीक है, तो डेविड मिलर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते थोड़ा रिस्की है क्योंकि भाई थोड़ा अटपटा शॉट मारने लगेंगे इसी कारण आउट, लेकिन भाई सेकंड इनिंग बैटिंग करते पूरे जिम्मेदारी से बैटिंग करते जिसके कारण ये कंफर्म आपको रन बनाएंगे। ठीक, अभी इधर देखो हेनरी क्लासेन, भाई हेनरी क्लासेन का मैं बोलूंगा बैकअप है, बैकअप का प्लस पॉइंट आपको क्या भाई देखो इनकी क्या विकेट कीपिंग करते भाई, ये विकेट कीपिंग करेंगे मान लो एक आध कैच पकड़ लेते वहां से आपको पॉइंट दे देंगे, और भाई इनकी बैटिंग देखोगे जब इनको टीम को जरूरत होता है कि इनको ऊपर भेजना तो ये ऊपर भेज देते, नहीं तो भाई अपने लाइनअप और अपने ऑर्डर से बैटिंग करने आते हैं, तो बढ़िया मस्ती पिक, और भाई इनको पता होगा गियर कैसे चेंज करना तो भाई इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगा अगर देखो अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हेनरी क्लासेन सेकेंड इनिंग बैटिंग करते तो अपने टीम में लेना, नहीं तो आज के मैच में भी इनको क्या करते तो ड्रॉप मार सकते हो। ठीक है, अभी तक देखो ट्रेस्टन स्टू, भाई ट्रेस्टन स्टू बोलूंगा देखो तेज तरार पारी खेलने के लिए इनको जाना जाता, मतलब ये हिटिंग का काम करते आते ही चौके छक्का आपको मारना स्टार्ट कर देंगे, और भाई ये जो भी बॉल मारते क्या करते बॉल को पावर जनरेट करके हिटिंग करके मारते, तो भाई जाहिर सी बात है जो बंदा बॉल को पावर जनरेट करके हिटिंग से मारेगा तो भाई उसके अंदर नॉलेज है टेक्नोलॉजी है और बोलूंगा एक्सपीरियंस है, तो भाई ये ताबड़तोड़ है। लेकिन भाई आप जानते हो T20 का मैच है भाई, देखो 1 2 3 4 5 है छठवे नंबर पे इनकी बैटिंग आ रही, तो भाई आधा से ज्यादा ओवर इसी तरह खत्म हो जाए तो भाई इनको आप लोगे अपने टीम में तो थोड़ा रिस्की है, लेकिन भाई इनको क्या करना आज के मैच में अगर आप चाहते हो इनको सेफ जाना चाहते हो तो भाई इनके आज के क्या करोगे टेस्टन स्टू को भी आज के मैच में आप ड्रॉप मार सकते हो, क्योंकि भाई देखो बहुत मतलब बोलूंगा नीचे इनकी बैटिंग है T20 का मैच है भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी इधर देखो भाई मार्को जेनसन, भाई देखो मार्को जेनसन मैं बोलूंगा प्रॉपर ऑलराउंडर का काम कौन करता है मार्को जेनसन, साउथ अफ्रीका का प्लेयर मार्को जेनसन पूरा प्रॉपर ऑलराउंडर का काम करता है। भाई देखो ये क्या करता है स्टार्टिंग के जो पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं भाई उसमें ये विकेट चटकाने की क्या करते हैं उम्मीद रखता है, पावर
पावर प्ले में भी मतलब विकेट चरका सकता है, ठीक है। और भाई बैटिंग से भी कुछ पॉइंट देगा तो भाई आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लाइव जिंगल नाला कर देगा तो बढ़िया मस्ती पीकर, ठीक। अभी इधर देखो भाई एनरिक नोजिया, एनरिक नोजिया भी ताबड़तोड़ बेस्ट बॉलर है, आपको ऐसा कर सकता है एक मैच में कि 3-4 विकेट एक के मैच में आपको लेके दे सकता है, ठीक। अभी इधर देख लो भाई केशव महाराज भी ताबड़तोड़ स्पिन बॉलिंग कराएंगे, ताबड़तोड़ जो बैट्समैन मारने गया चौके छक्के तो भी जाहिर सी विकेट है विकेट दे देगा, लेकिन जो बंदा संभल कर खेल गया तो बोलूंगा आज के मैच में केशव महाराज भी फ्लॉप जाने वाले हैं, ठीक। अभी इधर देखिए गार्लेश कोटे भाई, गार्लेश कोटे अपने 4 ओवर की स्पेल पूरे डाल गया। अब भाई 4 ओवर की स्पेल जब पूरे डालेगा तो भाई आपको एक आध विकेट एकदम लेके कंफर्म दे देगा, ठीक। अभी इधर देख लो कालीश्वर रावाड़ा भी इंपॉर्टेंट पिक है, तो ये भाई हमने आपको बता दिया किसके बारे में, भाई ये हमने आपको बता दिया साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। अब भाई चलो जान लेते हैं किसके बारे में, श्रीलंका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में, किसके बारे में, श्रीलंका के प्रॉपर प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। मतलब भाई आज के मैच में आपको श्रीलंका के प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने की मिलेगी और भाई मैं आपको प्लेयर की क्या नॉलेज देता हूँ ये जान लो। भाई जैसे को प्लेइंग 11 टीम न्यूज किसके बारे में, श्रीलंका के, श्रीलंका प्लेइंग 11 टीम न्यूज, श्रीलंका की प्रॉपर प्लेइंग में बताऊंगा, जो प्लेइंग में बताऊंगा वही प्लेइंग आज के मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो भाई जरा देख लो पसुम निशंका, कुशल मेंडी, सी एस लंका, एंजिलो मैथ्यूस, धीरज सामा, विकर्मा, टी सिल्वा, डी मधुशंकर, डब्ल्यू हरतरंगा, पथिराना, एम पिचना, डी मधु, भाई ये धनंजय डी सिल्वा है और ये है डी मधुशंकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। अभी बताता हूँ भाई जरा देखो पथिराना, सॉरी भाई पथुम निशंका के बारे में, भाई देखो पथुम निशंका मैं बोलूंगा बड़े मैच की प्लेयर है, जब ये बड़ा मैच खेलता है तो भाई बड़ा स्कोर करता है, और भाई क्या बोलूंगा देखो भाई ऐसा प्लेयर है कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। अगर मान लो ये लक्ष्य का पीछा कर रहा है, अगर बड़ा लक्ष्य है तो भाई स्टार्टिंग से ही आपको मारना स्टार्ट करता है, लेकिन भाई अगर मान लो लक्ष्य छोटा है, मतलब लक्ष्य छोटा, तो भाई ये क्या करेगा स्टार्टिंग से आपको थोड़ा रुक कर समझ कर खेलता हुआ दिखेगा। तो भाई ऐसे प्लेयर जो होते हैं कंडीशन और सिचुएशन को समझ कर जो बंदे खेलते हैं तो भाई वो बंदे ज्यादातर क्या करते हैं सक्सेसफुल होते हैं, वही बंदे आपको पैसे जिता सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये पथुम निशंका के बारे में बताया कि भाई ये कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, अगर देखो भाई सेकेंड इनिंग बैटिंग करेगा ज्यादा रन अगर बड़ा स्कोर है तो भाई आते ही चौके छक्के आपको देखने को मिलेगा, जब बड़ा स्कोर रहेगा अगर ये हर बॉल पे चौके छक्के मारने जाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है विकेट गिरने के संभावने जो है बढ़ जाएंगी। तो बोलूंगा पथुम निशंका अगर आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो भाई आप सीधा ड्रॉप मारना, लेकिन भाई अगर आज के मैच में पथुम निशंका सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता तो भाई आज के मैच में एकदम सेफ पिक रहने वाला, ठीक। अभी यार देखो कुशल मेंडिस, भाई देखो कुशल मेंडिस जबरदस्त ताबड़तोड़ बैट्समैन है, ये भाई बोलूंगा भाई ये प्रॉपर क्या है भाई, देखो प्लस पॉइंट है इसके सामने, क्योंकि भाई देखो ये विकेट कीपिंग है, आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देगा, कुशल मेंडिस ऐसा प्लेयर है मैं बोलूंगा ये बंदा ज्यादातर सिंगल और डबल के पीछे मतलब ज्यादातर चक्कर में रहता है, तो भाई जो बंदे ज्यादातर सिंगल डबल मतलब चौके के चक्कर में रहते गेम को चलाते रहते तो वो बंदे ज्यादातर क्या आते सक्सेसफुल रहते, वही बंदे आपको पैसे जिता सकते हैं, बोलूंगा एक तरह से कमा सकते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट विकेट देखो भाई कुशल मेंडिस आपको दोनों इनिंग में मस्ती खेलते हुए नजर आएंगे, इनको ऊपर ना ज्यादा प्रेशर रहता है ना ज्यादा इनके ऊपर रन का जो होता है लोड रहता है, इनको जब मौका मिलेगा तो ये आपको रन मारते हुए दिखेंगे, नहीं तो भाई ये बोलूंगा सिंगल डबल से भी काम चला लेंगे। तो देखना भाई कुशल मेंडिस भाई दोनों इनिंग में बेस्ट रहने वाले भाई आज के मैच में, इनको क्या करोगे ट्रम कार्ड भी बना सकते हो कुशल मेंडिस को, ठीक। अभी देखो सी श्रीलंका, भाई देखो सी श्रीलंका ताबड़तोड़ बैट्समैन है, मैं बोलूंगा ये भी बंदा देखो ज्यादातर बॉल को क्या करता है हवा में ना मार के बॉल को नीचे मारता है, तो भाई आप जानते हैं जो बंदे ज्यादातर बॉल को जमीन पर खेलेगा तो भाई रिस्क कम है, तो जब रिस्क कम लेगा तो भाई जाहिर सी बात आपको रन बना के दिखेंगे, लेकिन भाई ये क्या करते हैं थोड़ा रुक कर क्या करते हैं थोड़ा धीरे खेलते हैं, मतलब धीरे खेलने का मतलब है ये लास्ट में बड़ा स्कोर करने की सोचते हैं, तो भाई ऐसे प्लेयर ज्यादातर सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट पिक है सी श्रीलंका की भी आप अपने 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 नजर रखिएगा, ठीक है। अभी आप देखिए एंजिलो मैथ्यूज, भाई देखो एंजिलो मैथ्यूज मैं बोलूंगा भाई देखो ये ऑलराउंडर है, मीडियम स्पिन बॉलिंग कराता ना ये तेज गेंदबाज करते हैं ना ये स्लो, मीडियम मतलब भाई मीडियम बॉलिंग कराते हैं और इनकी बॉल जो होती है एकदम धीमी जाती है, जो क्या बोलते हैं बैट्समैन चौके छक्के मारते जाते हैं जिनके कारण उनकी बॉल टंगती है उनको विकेट मिल जाते हैं, लेकिन भाई अगर जो बैट्समैन थोड़ा समझदार वाला बैट्समैन थोड़ा पावर हिटिंग करने वाला हो तो आज के मैच में एंजिलो मैथ्यूज भाई देखो ऑलराउंडर है, ठीक है। इसकी बैटिंग सुनमित ना करना, बॉलिंग सुनमित थोड़ा बहुत कर सके हो तो बोलूंगा आज के मैच में ये भी फ्लॉप जाने वाले, ठीक। बॉलिंग सुनमित करना, बैटिंग एकदम ना के बराबर, ठीक। अभी तक देखो सदीरा समा विकर्मा, भाई देखो सदीरा समा विकर्मा भी ताबड़तोड़ बैट्समैन है, इसको हिटिंग के लिए रखा गया जब इसके टीम को जरूरत होता है कि भाई हमें अब चौके छक्के से ही काम करना, तो भाई सदीरा समा विकर्मा आते ही आपको चौके छक्के हर ओवर में हर बॉल पे आपको चौके छक्के दिख सकता है, तो जब तक सदीरा समा विकर्मा श्रीलंका की टीम में है तब तक समझ लो श्रीलंका के भाई जितने भी रन रहेंगे ये टारगेट चेस कर सकते हैं जब तक सदीरा समा विकर्मा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए डी सिल्वा भी, भाई देख लो डी सिल्वा के ऑलराउंडर है भाई, ये स्पिन बॉलिंग कराते ही ऑलराउंडर स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन भाई इनके बैटिंग से ज्यादा बुनना उम्मीद ना करना, क्योंकि भाई ये देखो बैटिंग से उतना कुछ खास करते नहीं, लेकिन भाई इनकी प्रॉपर बॉलिंग करते रहते
तो भाई बॉलिंग सुमित का लेना ठीक। अभी देख लो भाई दसुन शंका, भाई दसुन शंका भी टावर तोड़ बैट्समैन है यार, ये भी ऑलराउंडर है प्रॉपर, लेकिन पूरी ये ओवर ना डालेंगे, एक आध ओवर डालेंगे, लेकिन अगर इनके पहले ही ओवर में 15-20 रन की पारी आ जाती है तो भाई हो सकता है कि आज के मैच में आपके पूरा प्रॉपर बॉलिंग भी कराते हुए ना दे सके, तो भाई देखिएगा ठीक। अभी देखो भाई डब्ल्यू हर्षरंगा, भाई देखो डब्ल्यू हर्षरंगा मैं बोलूंगा टावर तोड़ बैट्समैन है, और भाई ये स्पिन बॉलिंग कराता है जो कि भाई देखो ये बैलेंस करके चलेगा। अगर मान लो बंदे ने अगर 20-25 रन बैटिंग से मारेगा तो एकाध विकेट तो भाई आपको कंफर्म दे देगा, तो भाई अगर बैलेंस कर दिया था तो भाई अब मैं बोलूंगा पॉइंट से मिलता है तो पॉइंट लो पैसे कमाओ, तो भाई ये देखो डब्ल्यू हर्षरंगा क्या रहने वाले आज के मैच में एकदम इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले ठीक। अभी देखो पथिराना, भाई पथिराना तो मैं बोलूंगा सब लोग लगभग जानते हैं, देखो भाई पथिराना अपने यार्कर की वजह से जाने जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मैं बोलूंगा अगर कोई बॉलर बैटिंग कर रहा तो ये तुरंत आउट कर सकते हैं, तो भाई इतना उम्मीद रखिएगा ठीक है। अभी इधर देखिए भाई एम तीक्षणा, भाई एम तीक्षणा ताबड़तोड़ बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, और मैं बोलूंगा अगर देखो इनका पहला ओवर ठीक ठाक जाता तो भाई दूसरे ओवर में विकेट लेने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर पहले ओवर में इनकी पिटाई होती तो विकेट आज के मैच में इनको भी ना मिलने वाला है, किसको एम तीक्षणा को ठीक है। अभी इधर तो डी मधुसंका का बोलूंगा, दे भी बॉलर तेज तेज गेंदबाजी करते हैं, स्लोवर यारकर बाउंसर बैट्समैन को फंसाते हैं, लेकिन जो बैट्समैन समर कर खेला इनको भी ना के बराबर विकेट मिलने वाला ठीक है। तो भाई ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, श्रीलंका की रिपोर्ट के बारे में, भाई देखो जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच के मुकाबला में जो मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप, भाई किस पिच पर खेला जा रहा है, हाउ मेनी प्ले पिच इन गेम, भाई किस पिच पर खेला जा रहा है, तो भाई देखो पिच रिपोर्ट, भाई ये कहाँ का पिच है, भाई देखो स्टेडियम न्यू यॉर्क, मतलब ये बाहर दूसरी जगह मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका के उधरी हो रहा है ठीक है। तो भाई देखो पिच रिपोर्ट क्या है, देखो भाई नासाउथ काउंट इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला गया, मतलब ये जो स्टेडियम है नासाउथ काउंट इंटरनेशनल स्टेडियम, भाई इस पिच पर अभी तक T20 के कोई भी मुकाबले नहीं खेले गए, मतलब इस पिच पर अभी एक भी मुकाबला नहीं खेला गया T20 इंटरनेशनल मैच ठीक है। अभी तक इस बार रीड करो भी मैं समझाता हूँ ठीक है। अभी तक देखो इस पिच के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई इस पिच पर अभी तक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया, जिसके कारण मैं रिसर्च करने पे तो भाई इसके पिच के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन भाई मैं आपको कुछ बताता हूँ इम्पोर्टेंट, भाई देखो लेकिन इस पिच को बनने में ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मिट्टी का उपयोग अभी बताता हूँ, वीडियो में बने रहो अभी समझाता हूँ। इस पिच पर उम्मीद लगाया जा रहा है कि तेज गेंदबाज को मदद काफी मिलता है, समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं आपको समझाता हूँ। भाई देखो जो ये मैं बोर्ड पे लिखा हूँ ये पिच रिपोर्ट कहाँ सा, भाई देखो न्यूयॉर्क, भाई जो श्रीलंका साउथ अफ्रीका मैच खेला जा रहा है ये कहाँ का पिच है, मतलब कैसा पिच है, तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना। भाई ये देखो नाकाउस काउंट इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच अभी तक मुकाबला, मतलब अभी तक इस पिच पर कोई भी इंटरनेशनल T20 के मुकाबले नहीं खेले गए ठीक। अभी तक इस पिच पर भाई क्या कर रहा है, ज्यादा कुछ खास, मतलब इस पिच पर कुछ खास उम्मीद नहीं है ठीक। अब भाई मैं आपको देखो क्या बताता हूँ, भाई यार देखो इस पिच को बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, भाई देखो ऑस्ट्रेलिया की जो मिट्टी होती है क्या होता है उस पर तेज गेंदबाज को काफी उछाल और गति मिलती है, जिसके कारण तेज गेंदबाज को मदद मिलती है, और उस पर बॉल आपको तेज गेंदबाज की स्विंग भी देखने को मिल सके ठीक है। इसलिए मैं देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस पिच पर उम्मीद लगाया जा रहा है कि तेज गेंदबाज को काफी मदद मिलेगा, क्योंकि भाई देखो जो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी होती है, भाई ये जो पिच बन रहा है, मतलब जो ये पिच बना हुआ अभी तक इस पिच पर इंटरनेशनल कोई मुकाबले नहीं खेले गए, इस पिच पर भाई देखो तेज गेंदबाज को मदद मिलेगा, मिलने के संभावना ज्यादा, और इस पिच पर उम्मीद भी लगाया जा रहा है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया की जितने भी पिच है उस पर तेज गेंदबाज को मदद मिलता है ठीक है। तो भाई ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया। अब भाई आप हमसे पूछोगे कि भाई जो न्यूयॉर्क का जो पिच है अभी तक इस पिच पे भाई अभी तक टोटल मैच कितने खेले गए, मतलब स्कोरिंग पैटर्न क्या, हाउ मेनी स्कोरिंग पैटर्न टोटल गेम इन प्ले टूडे, स्कोर फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, मतलब ये सब ताम झाम। चलो भाई जान लेते किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, चलो भाई अब जान लेते किसके बारे में, भाई देखो स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, भाई देखो ये जो स्कोरिंग पैटर्न, मतलब भाई जो न्यूयॉर्क ये जो इंटरनेशनल स्टेडियम, भाई देखो इस पिच पर अभी तक टोटल मैच कितने खेले गए, तो भाई देखो बहुत रिसर्च करने पे पता चला कि भाई देखो इस पिच पर अभी तक टोटल मैच एक मैच खेले गए, जिसमें से भाई बैटिंग फर्स्ट ऑन करने टीम ने मैच को एक बार जीता हुआ है, और यहीं पे बॉलिंग फर्स्ट ऑन करने टीम ने मैच को एक भी बार नहीं जीता, मतलब इस पिच पर आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई बैटिंग वाली टीम ने मैच को क्या किया, एक बार ज्यादा वॉन किया, तो मतलब एक बार टीम, मतलब इस पिच पर बैटिंग वाली टीम को एडवांटेज मिल रहा है ठीक। अभी देखो भाई टू फर्स्ट इनिंग का स्कोर, भाई इस पिच पर आप लगभग कितना रन उम्मीद कर सकते हो, भाई जो टीम पहली इनिंग बैटिंग करेगी आपको लगभग कितना रन स्कोर देखने को मिल सकता है, तो भाई 140 रन तक आप लगभग स्कोर कर सकते हो। भाई देखो आप लोग हमसे पूछते हो कि भाई हम 20 ओवर का सेशन कितना रन यस करें और कितने क्या करें नो करें, तो भाई देखो आज के मैच में मैं आपको बता दूं, भाई देखो अगर 140 145 150 165
और 170 के बीच में यहाँ से लगाए आपको यहाँ तक में कोई भी सेशन पूछ लेता है तो भाई अब सीधा धड़ल्ले से सेशन क्या करोगे, यस मार के पैसे कमाओगे। ठीक अभी तक देखो भाई 22 पे जो टीम दूसरे इनिंग बैटिंग करने आती है वो लगभग कितने रन का स्कोर करके जाती है, तो भाई देखो दूसरे इनिंग का स्कोर आपको लगभग 125 रन तक देखने को मिल सके। ठीक है अभी तक देखो भाई हाईएस्ट टोटल स्कोर इस पिच पे भाई सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना रहा भाई 140 रन पे 4 विकेट और लोवेस्ट टोटल स्कोर कितना रहा 125 रन पे 10 विकेट। तो भाई ये हमने आपको बता दिया किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बता दिया। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। भाई देखो अगर आप जान जाओगे हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड तो भाई इससे आपको एकदम पूरा कंफर्म पता चल जाएगी भाई इस पिच पर अभी तक मतलब कौन सी टीम कितनी बार जीता है कौन कितनी बार हारा हुआ, कमजोर पता मजबूत पता चल जाए। चलो जान लेते किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में। इसके बारे में भाई देखिए हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में, भाई देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड भाई अभी तक देखो साउथ अफ्रीका ने भाई श्रीलंका से कितने बार मैच जीता है, 10 बार जीते हुए। भाई श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका से कितने बार मैच जीता है, 4 बार मतलब सॉरी 6 बार। तो भाई से क्या पता चलता है साउथ अफ्रीका ने मैच को 4 बार ज्यादा किया किया वन किया, तो भाई क्या साउथ अफ्रीका क्या मजबूत टीम है, तगड़ी टीम है। ठीक है अभी देखिए भाई मैं आप लोग के लिए क्या लिखे भाई देखो ड्रीम इलेवन विनिंग पैटर्न, भाई देखो ड्रीम इलेवन पे जीतने का तरीका क्या है, भाई देखो इंपॉर्टेंट है दो लाइन में लिखा हूँ ये ड्रीम इलेवन जीतने का तरीका, तो भाई देख के समझ ही जाएगा। ठीक है भाई देखो साउथ अफ्रीका टीम है सुपर हैंड ओवर, श्रीलंका टीम है सुपर ऑन शॉर्ट राइट टू किक मोर प्लस साउथ अफ्रीका। भाई देखो मैं इसमें ये लिखा हूँ भाई जो साउथ अफ्रीका की जो टीम है श्रीलंका से क्या कई गुनी मजबूत टीम है तगड़ी टीम है, तो भाई देखो आप जो टीम बनाओगे उसमें आप क्या करोगे कॉम्बिनेशन क्या करोगे, भाई देखो सात वर्सेस 4 का कॉम्बिनेशन करोगे जिसमें से आपके रहेंगे साउथ अफ्रीका के और भाई जो 4 प्लेयर ये इसके आपके रहेंगे किसके श्रीलंका के। तो भाई ये हमने आपको बताया किसके बारे में बता दिया, ये भाई हमने आपको बताया हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में बताया, इधर देखो भाई ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, जान लेते किसके बारे में भाई देखो प्लेयर प्रेडिक्शन किसके, भाई देखो प्लेयर प्रेडिक्शन किसके बारे में बैटर के बारे में, किस बैटर के बारे में भाई देखो साउथ अफ्रीका के बैटर के बारे में जान लो कि भाई अब किस बैटर के ऊपर आप क्या करोगे 25 रन क्या करना है यस करना है और किसके ऊपर 25 रन नो करना है इसके बारे में जान लो। भाई देखो हेनरी क्लासन बोलूंगा आज के भाई ने फर्स्ट इनिंग अगर ये बैटिंग करते हैं तो भाई पे आप क्या करोगे 25 रन सीधन क्या करोगे सेशन नॉट मारोगे, अगर नहीं बाई चांस मान लो हेनरी क्लासन दूसरी इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई पे आप 25 रन सीधन क्या करना यस कर सकते हो। ठीक है अभी जब देखो भाई एडिन मार्करम आज की मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय सेकेंड इनिंग बैटिंग करते समय आप इनको क्या करना दोनों इनिंग सेन यस कर देना। ठीक है अभी देखो मार्को जैसन आज की मैच में मैं बोलूँगा अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई इन पे 25 रन सेन क्या करना यस कर देना, अगर बाई चांस मान लो दूसरी इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई इन पे 25 रन सेन क्या करोगे सीधा नॉट मारोगे। ठीक है अभी देखो भाई बॉलर भाई साउथ अफ्रीका का कौन सा बॉलर जो कि भाई आज की मैच में कितना 2 से 3 विकेट ले आता हुआ नजर आएगा, तो भाई देखो के रबाडा का किशोर रबाडा आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आते हुए नजर आ सकते हो। भाई हमने आपको बता दिया किसके बारे में साउथ अफ्रीका के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया, अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में श्रीलंका के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में। चलो भाई अब जान लेते किसके बारे में भाई देखो प्लेयर प्रेडिक्शन किसके बारे में, भाई देखो श्रीलंका भाई किसके बारे में श्रीलंका के पैटर्न के बारे में जान लो कि भाई किसके ऊपर 25 रन क्या करना यस करना और किसके ऊपर 25 रन क्या करने नॉट करने इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है अभी देखिए बस डब्ल्यू और सनका आज के मैच में गुरु अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई आप क्या करोगे इन पे दोनों इनिंग पे 25 रन सेन क्या कर देना आप यस कर देना। ठीक है अभी जब देखो पी निशन का आज के मैच में गुरु अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो 25 रन सेन क्या करना यस, अगर बाई चांस मान लो दूसरे इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई दूसरे इनिंग आप 25 रन सेन क्या करोगे सीधा इन पे नॉट मारोगे। ठीक अभी जब देखो डी सिल्वा आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे सेकंड इनिंग बैटिंग करे आप इन पे दोनों इनिंग में 25 रन क्या करोगे यस मार देना। ठीक अभी जब देखो भाई बॉलर श्रीलंका का कौन सा बॉलर जो कि आज के मैच में कितना भाई 2 से 3 विकेट ले आते हुए नजर आएगा, तो भाई ये देखो टीम मधुसूदन का आज के मैच में आपको 2 से 3 विकेट ले आते हुए नजर आएंगे। तो भाई हमने बता दिया श्रीलंका के प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, इसके बारे में भाई देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में भाई देखो ये मैं बोर्ड पे अपने ये 5 प्लेयर लेके आया हूँ भाई देखो 5 भाई सॉरी भाई 5 अच्छे से बना दो भाई देखो ये जो 5 प्लेयर मैं अपने ये बोर्ड पे लेके आया हूँ भाई ये 5 प्लेयर इंपोर्टेंट है, 5 प्लेयर का पहले नाम सुन लिया भाई देखो पतुल निशंका डब्ल्यू और संजय गोल्डन टिकॉप हैंडी क्लासन मार्को जैसन भाई ये 5 प्लेयर क्या रहने वाले आज के मैं इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है किसी को अपने टीम में मत दीजिएगा लीजिएगा लेकिन सबको अपने टीम इन 5 प्लेयर को तो भाई अपने टीम में एकदम रखना आपको कंपल्सरी इन 5 को टीम में अपने टीम में रहना मतलब आपके टीम में रहना जरूरी है। ठीक है अब भाई देखो मेरा भी कैप्टन वाइस कैप्टन का बेस्ट चॉइस तो होना चाहिए प्रेडिक्शन होने चाहिए, तो भाई देखो आज के मैच में पतुल निशंका
अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते तो बढ़िया मोस्टली ठीक रहने वाले ठीक है ये जानिए। डब्ल्यू श्रीलंका बनूंगा धोनी नहीं आपको सेफ कैप्टनसी की वाइस कैप्टन तो भाई आज के मैच में क्या करते हैं आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ठीक। अभी तक देखो क्विंटन डिका अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते तो ठीक ठाक है और हैंडी क्लासन भी आज के मैच में अगर सेकंड इनिंग बैटिंग कर गए तो भाई कुछ अलग करने वाले। तो भाई देखो मार्को जैनसन भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले। तो भाई देखो आज के मैच में मैं क्या करूंगा किसको डब्ल्यू श्रीलंका कर दूंगा कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारे रहने वाले पथु निशंका सॉरी कैप्टन रहेंगे पथु निशंका और भाई डब्ल्यू श्रीलंका मेरे रहेंगे वाइस कैप्टन। तो भाई हमने आपको बता दिया किसके बारे में कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बता दिया। तो भाई मैं आशा करूंगा आप भी इन्हीं पांचों प्लेयर में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करिएगा ठीक है। अब भाई इधर देखो आज के ये देखो भाई आज का टॉस अब इधर देख लो भाई आज का जो है मैच भाई टॉस और मैच दोनों ही साउथ अफ्रीका क्या करेगी वन करेगी टॉस भी साउथ अफ्रीका जीतेगी मैच भी साउथ अफ्रीका जीतेगी। चलो भाई आज की वीडियो को रखता हूँ वहीं तक मिलता हूँ फिर किसी नए मतदाता जी फिर वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम लव यू ऑल टेक केयर।